बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट दी फॉलोइंग इक्वेशन इनटू वर्ड्स फॉर्म। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था उसमें था, जो इक्वेशन जो वर्ड फॉर्म दी हुई थी उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। इसमें इक्वेशन दी होगी आपको और आप उसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका पार्ट 1 है, उसने हमें इक्वेशन दे दिए। क्या इक्वेशन है? 3 × 6 − 4 = 14। तो ये तो है इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको हमने लिखना है वर्ड्स फॉर्म में। आप पहले देखें ये क्या है, 3, फिर मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ये है 6, डिक्रीज हो रहा है नंबर, ये 3 × 6 डिक्रीज हो रहा है बाई 4, तो एक ये आ गया इक्वल्स 14, यानी इक्वल टू 14। अब हम लिखेंगे इसका आंसर, 3 times अ नंबर 6। ये वर्ड फॉर्म है, ये लिखा हुआ है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, 3 times अ नंबर, नंबर क्या है 6, 3 times अ नंबर 6 डिक्रीज्ड, ये माइनस हो रहा है, जिसको हम लिखेंगे डिक्रीज्ड बाय 4, यानी कि 4 इसमें कम हो रहा है, इक्वल्स 14। या आप लिख सकते हैं इज 14 या फिर इक्वल्स 14। तो स्टूडेंट, ये था पार्ट 1 का आंसर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट, जो उसने इक्वेशन दी है हमें, वो इक्वेशन है 3n + 4 = 10। उसने ऐसे लिखा हुआ है 3n + 4 = 10। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये है 3 times अ नंबर, नंबर क्या है n, 3 times अ नंबर, नंबर क्या है n, 3 times अ नंबर n। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि इंडिकेट हो जाए, 3 times अ नंबर n इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज्ड हो रहा है बाय 4, या तो आप इक्वल लिख लें या आप लिखें इज 10। तो स्टूडेंट, ये थी इसकी वर्ड स्टेटमेंट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, 4 × 6, यानी 4 × 6 / 6 = 4। अब हम सॉल्व करते हैं वर्ड स्टेटमेंट इसकी, लिखेंगे आंसर में 4 times अ नंबर, 4 times अ नंबर, कौन सा नंबर है स्टूडेंट 6, 4 times अ नंबर 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 4। तो स्टूडेंट, ये था थर्ड का आंसर। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है, हमें दी हुई जो इक्वेशन दी हुई है 6x − 3 = 15। हम इसका वर्ड लिखेंगे आंसर में, 6 times अ नंबर विच इज द नंबर x, ये 6 times अ नंबर x डिक्रीज्ड बाय 3 = 15। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।